हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीमेल क्या होता है, इसको क्रिएट किस तरह किया जाता है और इसके अलावा इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, इस वजह से वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीमेल अकाउंट को इस तरह क्रिएट किया जाता है, यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द लर्निंग अलॉट्स डॉट्स के साथ मैं आपका दोस्त एके सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और जो लोग इस चैनल पर पहली बार तब आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को हल्का सा टच कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जीमेल होता क्या है। जीमेल बेसिकली गूगल का एक मेल चैंप है, मतलब ये कि जी का मतलब यह है कि गूगल और मेल, वैसे उसका मेल चैंप है। सो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जीमेल कहते हैं। अब गूगल क्या है, गूगल बेसिकली हमारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पहले यह होता बट अब क्या है, गूगल है जहां पर बहुत ज्यादा सर्चिंग की जाती है। किसी भी हवाले से आप कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करते हैं, उसके बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर जाते हैं, वहां सर्च करते हैं, बट गूगल सबसे पहला है जो सर्च इंजन के तौर पर यूज किया जाता है। सो अब बात की जाए कि जीमेल कि यूजर्स क्या है, जीमेल के यूजर्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि आप कहीं सीवी सेंड करना चाहते हैं, रेज्यूम, कवर लेटर या इसके अलावा पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक या इवन के आप कोई पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी किसी को अगर सेंड करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए सेंड कर सकते हैं। अब जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर सेंड करेंगे तो आप उसका लिंक किसी को प्रोवाइड कर देंगे, वो वहां से आएगा, उसको डाउनलोड कर लेगा। अब यहाँ पर बेनिफिट हमें क्या होगा, बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई और सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, सो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करते हुए जब भी आप कोई फाइल फॉर्मेट या कोई भी डाटा किसी को सेंड करते हैं तब क्या होता है कि उसमें बिट्स का फर्क आ जाता है, पिक्सल रेजोल्यूशन वगैरह इन चीजों का क्या आ जाता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बट जीमेल के अंदर ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आता। सो इस वजह से जीमेल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इसके अलावा अगर देखा गया कि जीमेल को इस वजह से भी प्रेफर किया जाता है कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वेबसाइट्स हो गए, कहीं भी हो, आप इसको यूज करना चाहते हैं, इसको आपने उन वेबसाइट्स के साथ जस्ट लिंक करना है और आपका वहां पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर आप कोई और वेबसाइट यूज करते हैं, उसका मेल बनाते हैं, तब आप उसको कहीं पर यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो वेबसाइट्स होते हैं वहां पर आप उनको यूज नहीं कर सकते, उसके जरिए आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। सो जीमेल बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इस वजह से हम जीमेल को क्रिएट करना सीखते हैं और इस जीमेल को यूज करते हुए हम अपने फाइबर अकाउंट को भी क्रिएट करना सीखेंगे। सो यहाँ पर मैं यूसी को क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, इवन के क्रोम हो गया, सफारी हो गया या कोई और भी आप ब्राउजर यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यूसी ब्राउजर क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों, क्योंकि क्रोम के ऊपर मैं ऑलरेडी काम करता हूँ। इस वजह से क्या है कि वहां पर आपको समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती थी, इस वजह से मैंने यूसी को यूज किया हुआ है। सो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर गूगल आपके सामने ओपन है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जीमेल साइनअप। सो मैं यहाँ पर जीमेल साइनअप जैसे ही करता हूँ हमारे पास ये सर्च होगा और अब यहाँ पर ये देखें कि साइनअप का क्या मतलब है। साइनअप का मतलब ये है कि आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, हमने जीमेल का वर्ड यूज किया, मतलब जीमेल पर हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इस वजह से हमने क्या किया है, जीमेल साइनअप लिखा है। अब यहाँ पर देखें क्रिएट योर अकाउंट गूगल अकाउंट अकाउंट google.com साइनअप, मतलब ये कि एक ही चीज़ है, साइनअप या क्रिएट एन अकाउंट। सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपके पास वो आपका बायोडाटा पूछेगा जिसमें आपका नाम हो सकता है, जीमेल आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, पासवर्ड देंगे और उसके अलावा आगे भी जो चीज़ें हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना नाम लिख देना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ अली और लास्ट नाम जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया रजा। सो मैंने ये वैसे सपोज कर लिया आपको समझाने के लिए और यहाँ पर आने के बाद आपको गूगल खुद से भी कुछ सजेस्टेड जीमेल देगा, बट अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है, नाम लिखें और लिखने के बाद आप कोई भी नंबर दे दें। अब यहाँ पर स्पेस आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, सो स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने अली रजा लिखा और इसके बाद मैं कोई नंबर दे देता हूँ, सो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ 1 से 8 नंबर दे देता हूँ। तो आप अपने मुताबिक कोई भी जीमेल बना सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, पासवर्ड देंगे, ये ऑलरेडी ये देखें उसने जैसे मैंने पासवर्ड पर क्लिक किया उसके बाद उसने यूजर नेम के ऊपर वहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे दिया है कि भाई आप ये अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों, इस नाम का जो जीमेल है वो ऑलरेडी बना हुआ है। सो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, अच्छा 89 88 78, सो हम ये कोई नाम दे देते हैं। सो अब यहाँ पर देखें, सो अब हमारा क्या है, ये वेरीफाइड है कि ये जो अभी हमने यूजर नेम यूज़ किया है, सो इसके ऊपर जीमेल कोई भी नहीं बना हुआ, सो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब आपने यहाँ पर आकर पासवर्ड दे देना है, मैं लेट्स सपोज अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, पासवर्ड देने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपका एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर आपने मजीद आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपने वो प्रोवाइड करनी होगी। ये देखें अब वो आपसे पूछ रहा है कि वेरीफाई योर फोन नंबर, आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर वेरीफाई कराना है, मैं यहाँ पर फोन नंबर ऐड कर देता हूँ लेट्स सपोज। अब नंबर पुट करने के बाद हम जस्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सो जैसे हम आपने इसको नंबर प्रोवाइड किया, नंबर प्रोवाइड करने के बाद वो आपके उसी नंबर के ऊपर एक पासवर्ड भेजेगा।
तो आपने वो पासवर्ड अपने सिम जो आपने ये नंबर दिया है उस पर जाना है, वहाँ पर आपको SMS आया होगा, वहाँ से आपने क्या कर लेना है, ये पासवर्ड यहाँ पर पुट कर देना है जो आपके पास आया होगा। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ये पासवर्ड आया हुआ है। सो मैं यहाँ पर आकर पासवर्ड पर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सो ओके, अब आपने पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने इस नंबर को वेरीफाई कर देना है। ये देखिए, अब हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो अब वेरीफाई होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ मजीद अपना डाटा पुट करना है। एक बता रहा है जो आपने अभी क्या किया है, वो नंबर वेरीफाई करा है, और उसके बाद यहाँ पर आपसे वो एक रिकवरी जीमेल पूछ रहा है। सो रिकवरी जीमेल मैं आपको पहले पेस्ट कर देता हूँ। ओके, रिकवरी जीमेल आपने पुट कर दिया और फोन नंबर भी पुट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर डेट कोई भी दे देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई भी डेट दे रहा हूँ। डेट देने के बाद ये बायोडाटा आपने पुट किया, और मेल है, फीमेल है, या कोई और जेंडर है आपका, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर मेल कर रहा हूँ, और मेल करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। बट नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जो आपने फोन नंबर प्रोवाइड किया, जिसको आपने वेरीफाइड कराया, और इसके अलावा आपने जो रिकवरी जीमेल दिया, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे किसी और मोबाइल के ऊपर, तब ये आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। सो वो आपकी सिम पर आएगा। सो आपने वहां से इसको वेरीफाई करना है, तब आपका जीमेल जो होगा किसी भी और मोबाइल के ऊपर ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आना है, आपने नंबर बता दिया, रिकवरी मेल बता दिया, उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारी आपने फिल कर दी, और उसके बाद जेंडर बताने के बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब आपका अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। जस्ट वो आपसे इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मांग गया, आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने ओके करते जाना है। ये देखें, येस आई एम, और इसके बाद इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने आई एग्री कर देना है। अब आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। सो थोड़ा सा यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आना है, आपके पास जो डॉट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर गूगल ऐप्स सारे रिप्रेजेंट होंगे, आपने यहाँ पर आना, क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास सारे गूगल जो ऐप्स हैं वो सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर ये देखें, ये जीमेल है, यहाँ पर मैं आकर जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें, ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा, और लोडिंग करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको रिप्रेजेंट करेगा। सो आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, यहाँ कॉन्टैक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शन रिप्रेजेंट होने हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल है, अभी आपको यहाँ पर ए रिप्रेजेंट हो रहा है, आप यहाँ पर आना है, क्लिक करना है, और अपनी जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा मेन टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि जीमेल अकाउंट क्या होता है, इसको किस तरह क्रिएट किया जाता है, और इसके यूजर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन को टच कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।